काजी शहर उज्जैन और इत्तेहाद उम्मत की तरफ से ज्वाइन किया जा रहा है, जो आपकी सबकी पूरे शहर की नौजवानों की आवाज है। गौतम जनाब जस्टिस एस ए बोबड़े साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अरे भाई फोन हो जाओ यार, जब से आए जब से बोले जा रहे हैं। गौतम जनाब जस्टिस एस ए बोबड़े साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तहरीर के जरिए हाल ही में मंजूर शुदा सिटीजन बिल अमेंडमेंट एक्ट CAA और NRC की तरफ अपना ध्यान दिलाना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि पूरे हिंदुस्तान का नागरिक इस कानून के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज यानी कि विरोध कर रहा है, जिसमें अलग अलग शहरों में बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, तो कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। गंवानी पड़ी है। नागरिकता अमेंडमेंट एक संविधान की बुनियाद प्रस्तावना के खिलाफ है। संविधान में मुल्क के हर नागरिक को बिना तफरीक के मजहब और मिल्लत इंसाफ और बराबरी का हक हासिल है। दस्तूर हिंद की दफा 14 और 15 राज्यों को पाबंद बनाती है वो किसी भी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी ना करे, वो जात और पात और अकीदे और नस्ल की बुनियाद पर फर्क ना करे। ये कानून संविधान की बुनियादी मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। इस संविधान मुखालिफ सिया कानून से मुल्क की एकता भाईचारा खतरे में पड़ती नजर आ रही है। मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट बहुसंख्यक के नशे में इंसाफ की धज्जियां उड़ा रही है। आजाद हिंदुस्तान के जिस संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की जिस बुनियादों पर कायम किया था, उस CAA बिल के जरिए संविधान की मूलभूत पहचान खत्म होती जा रही है। इस सिया कानून को जहां नार्थ और ईस्ट के राज्यों में अशांति पैदा होगी, वही पूरे मुल्क की इसकी वजह से एक खास तबके यानी गिरोह के बीच नफरत और जुल्म को बढ़ावा मिलेगा। यही वजह है कि मुल्क के अमन पसंद सेकुलर नागरिक तो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस कानून को रिजेक्ट कर दिया है। बोलो पूरे मुल्क में इज्तिमाही तौर पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस कानून को लागू होने से रोकने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। हमारे पुरखों ने इस मुल्क की आजादी के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी है, फांसी के फंदों को चूमा है, जेल की सलाखों में गुजरे और मजहब की बुनियाद पर उठने वाली हर फिरका वाराना आवाज के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने दो कौमी नजरियों को पूरी तरह के खिलाफ मुखालिफत की और हिंदुस्तान की गंदा जमनी तहजीब को हर कीमत पर बाकी रखा। लिहाजा हम काबिल एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि इस नाइंसाफी फिरकावारिस कानून को रद्द करने की मेहरबानी करें। मजलिस इत्तेहाद उम्मत शहर काजी जनाब फरीकुर रहमान साहब उज्जैन।